अगला क्वेश्चन देखिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दी हुई है। लंबाई को एल मान लेते हैं 12 मीटर, चौड़ाई जो है आपकी 4 मीटर है और ऊंचाई जो है आपकी कितनी है 3 मीटर है। तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। तो मैंने बताया ना, सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछेगा तो उसका विकर्ण कहेंगे, यानी कि कमरे में रखी सबसे सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो होगी वह किसके बराबर होगी, कमरे के विकर्ण के बराबर होगी। तो कमरे का विकर्ण रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 9 25 में 144 जोड़ देंगे, रूट अंडर 169 मीटर, यानी कि 13 मीटर आ जाएगा। सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, 13 मीटर। समझ गए। चलिए अगला।